जगत भैया, जगत भैया घर पे है क्या? ओ गंगा जी, मैं जगत भैया से मिलने आई हूँ। वो घर पे है ना? हाँ है, दुकान जाएंगे ना, अभी नाश्ता कर रहे हैं। तुम जरा बैठो जी, वे अभी आते हैं। बड़े बेटे की मुर्गी फार्म खोलने के बाद से ये तो दुकान छोड़ ही नहीं सकते, और इधर गांव के लोगों का भी काम करना पड़ता है। एक अच्छा आदमी अगर मिल जाएगा तो इनका मेहनत थोड़ा कम हो जाएगा। अरे कौन आया है माधवी? अरे गंगा तुम आई हो? बैठो बैठो बैठो, चलो तुमसे थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। और कहो कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया। आप लोग बातें कीजिए, मैं इसके लिए चाय बनाती हूँ, चाय पीकर जाना। और गंगा, दोनों बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? अच्छे हैं भैया, दोनों स्कूल गए हैं। मुझे लगता है कि तुम शायद किसी काम से आई हो। जी कहो क्या काम है भैया। बीमा का रुपए पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। क्या आप इस काम में मुझे मदद करेंगे? अरे क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। एक काम करते हैं, कल बैंक चलते हैं, तुम जा पाओगी ना? तो कितने बजे निकलेंगे? एक काम करना, कल 10 बजे तैयार रहना। ठीक है। बैंक के कागजात भी ले लेना और बीमा का कार्ड भी। ठीक है? ठीक है भैया, तो मैं चलती। अरे बैठो, भाभी जी चाय बना रहे। अरे माधवी चाय लाओ भाई। जी लाई। तो तुम चाय पियो, मैं दुकान होकर आता हूँ। माधवी मैं आ रहा हूँ। जी जी शर्मा जी, भेज दीजिए, हो जाएगा। जी बोलिए बोलिए। हाँ सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? एक मिनट शर्मा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सर मैं जगत दास, गांव बूढ़ा, ये गंगा दास है। नमस्ते। नमस्ते। सर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इनके पति महेश दास का देहांत हो चुका है सर, तो महेश दास ने आप ही के बैंक में एक सुरक्षा बीमा योजना करवाया था सर। अब हमें आप ये बताइए कि बीमा की रकम को पाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? क्या आप पासबुक और बीमा की कागजात लेके आए हैं? जी सर, ये सब सारे बीमा के अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स। सर और एक बात है सर, बीमा के रुपयों को लेकर इनके घर में एक मुसीबत खड़ी हो चुकी है सर। मुसीबत? कैसी मुसीबत, समझा नहीं सर। इनकी सासू माँ और देवर बीमा के रुपयों का हिस्सा मांग रहे हैं सर। सर बैंक में ऐसा कोई रूल है क्या कि हिस्सा उनको भी मिले? एक मिनट, इसमें नॉमिनी गंगराज ही है, बीमा का पैसा इन्हीं को मिलेगा। लेकिन बीमा का पैसा अगर मुझे मिल रहा है तो मेरी सासू माँ और मेरी देवर मुझसे झगड़ा करेंगे। आप ही कुछ उपाय दीजिए कि मैं क्या करूँ। देखिए नॉमिनी आप हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब वो हिस्सा मांगने आए तो आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उन्हें समझा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है सर, लोगों की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। जी एक मिनट, गंगा जी आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। यहाँ करना है? आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो हम चले सर? जी जा सकते हैं आप। चलो आओ। नमस्ते सर। नमस्ते। बच्चों तुम पढ़ रहे हो? जी दादी माँ। माँ घर में है कि नहीं? है। तो बुलाओ। माँ माँ, दादी माँ आई है। बहू हमें रुपया देने के बारे में क्या सोचा तुमने?
अरे मैं माँ हूँ, मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। माँ, बैंक में नॉमिनी मैं हूँ, इसीलिए रुपए मुझे ही मिलेगी। और आप लोग इतना गरीब भी नहीं है कि आप लोगों को अपना गुजारा ना हो पाए। ये गणेश कुछ ना कुछ तो कमाता ही है। गरीब तो मैं हूँ और मुझे अपने दो बच्चों को भी पालना है, बड़ा करना है। मुझे दूसरों के घर में जाके काम करना पड़ेगा। उसे जन्म देने वाली माँ का कोई हक नहीं है क्या? तो आप एक काम कीजिए, बैंक के मैनेजर से बात कीजिए। अगर बैंक वाले पैसा आपको देता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, अब तो वही करना पड़ेगा। कल मैं गणेश के साथ वही बैंक जाऊंगी और बैंक वाले कैसे एक माँ का हक छीनते हैं मैं भी देखती हूँ। कैसी माँ है ये, मरे हुए बेटे के पैसों के लिए भी झगड़ा करती है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नमस्ते सर। सर, मेरे बेटे महेश ने आपके बैंक में सुरक्षा बीमा करवाया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब उसका बीमा का पैसा मुझे मिलना चाहिए। देखिए, कल महेश दास की पत्नी आई थी जी, बीमा की नॉमिनी में गंगाराज का ही नाम लिखा हुआ है, तो बीमा का जो पैसा है वो गंगाराज को ही मिलेगा। सर, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे क्यों हिस्सा नहीं मिलेगा? देखिए, रूल्स के अनुसार नॉमिनी के अकाउंट में ही पैसा जमा होगा। सर, कुछ कीजिए ना, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो माँ की थोड़ी बहुत मदद हो जाती। देखिए, बैंक के कुछ रिवाज है, उसे हम तोड़ नहीं सकते। सॉरी, उसे तोड़ना कानूनन अपराध है। इस काम के लिए मेरे पास दोबारा मत आइए। अब आप जा सकते हैं। ठीक है सर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गंगा जी, तुम आए हो। शंकर ने कहा कि कोई महिला आई है। अरे यहाँ आओ जी, बैठो। बोलो, कैसे आना हुआ? भैया, मैं सोच रही थी कि एक बार मैं बैंक होके आ जाऊं, बैंक में पैसा आया है या नहीं उसका एक खबर लेके आऊं। हाँ, वो कल मैनेजर मिले थे मुझसे, उन्होंने कहा कि पैसा शायद जमा हो चुका है। तुम अकेली जा पाओगी ना? जी भैया, मैं अकेली जा पाऊंगी। तो एक काम करो, तुम आज अभी चली जाओ बैंक में। बैंक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी खबर मुझे दे देना। जी भैया। ठीक है? ठीक है। तो ठीक है, तुम जाओ। जरूर खबर दूंगी। जाओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। नमस्ते सर। नमस्कार, बैठिए। कैसी है आप? जी ठीक हूँ। आपकी पति की बीमा की रकम आपके अकाउंट में जमा हो चुकी है। थैंक यू सर। वैसे एक बात बताएंगे आप, इन पैसों का आप करेंगी क्या? कुछ उधार है पहले वो चुकाऊंगी, और बाकी जो रुपए बचेंगे बच्चों के नाम पर जमा रखूंगी, और 2-4 घर के सामान भी खरीदने हैं। ठीक है, आप उधार चुका दीजिए, पैसे को यहाँ वहाँ आप मत खर्च कीजिए जी, और किसी को मांगने से भी मत दीजिएगा जी। जरूर। उस दिन आपके सास और देवर आए थे, वे अपने हिस्से की बात कर रहे थे, मैंने उन्हें समझा दिया है कि इन पैसों पर सिर्फ आपका ही अधिकार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब मैं चलती हूँ। ठीक है।
सुनो, तुम गंगा हो ना? जी हाँ, नमस्ते। आपको मैंने पहचाना नहीं। मैं अर्पणा हूँ। ओह, समाज सेविका अपर्णा आप ही हैं। बहुत सुना है आपके बारे में। तुम्हारे पति के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ है। पर अभी कहाँ से आ रही हो तुम? जी, बैंक गई थी बीमा के पैसों के लिए। पैसा संभाल कर रखना। तुम्हारे दो बच्चे भी हैं ना? जी। तो बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा है तुमने? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूंगी। एक काम करना, कल फिरोजा बेगम के घर आ जाना, वहीं पर बैठ के अच्छी तरह से बात करेंगे। जी, आ जाऊंगी। वो बड़ा बाजार चौक में जिसका घर है, हाँ, वही हाँ, है ना? अभी मैं चलती हूँ। नमस्ते। जी, नमस्ते। माँ, आज दादी माँ आई थी। क्यों आई थी? कुछ कहा क्या? ऐसे ही आई थी। दादी माँ ने कहा जब तुम घर में नहीं रहोगी तब वो आकर हमारे साथ रहेंगे। और खिलौना भी लाई थी। और लड्डू भी लाई थी। बहू, बहू, अरे बहू कहाँ हो? हाँ जी, आई। अरे बहू कहाँ हो तुम? माँ जी, आप अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। आइए बैठिए। नहीं नहीं बहू, पहले ही तुम परेशान हो, सोचा मैं ही चली आऊं, तो चली आई। अच्छे क्या माँ जी, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। बना लेना बहू, पहले मैं अपनी दिल का बोझ तो हल्का कर लूं। मैं समझी नहीं माँ जी। हम गलत थे बहू, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे कैसी बातें कर रही है माँ जी, और माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है? मैं आपकी बहू हूँ। बहू नहीं हो तुम मेरी। आज से तुम मेरी बेटी हो। माँ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। देखो बेटी, आज से तुम हिम्मत से काम लेना, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। बेटी, बच्चे कहाँ हैं? दिख नहीं रहे? स्कूल गए हैं माँ जी। और आप अंदर आइए, मुझे बड़ा बाजार चौक में भी जाना है। चलो चलो। आज पूरा भारतवर्ष स्वच्छता मिशन पर काम कर रहा है, स्वच्छता पर फिल्म भी बनी है, सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है कि देश की हर गांव हर गली स्वच्छ हो। हाँ, इस मिशन के बारे में मैंने सुना है। हमारा एनजीओ भी इस पर काम कर रहा है, गांव में घर घर में शौचालय बना रही है। तुम्हें ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस मिशन में जितने भी लोग मेरे साथ शामिल हैं वो महिलाएं हैं। अरे आ जाओ तुम लोग। यही है मेरी सेना, यही लोग शौचालय बनाती है बिना किसी की मदद से। यानी राजमिस्त्री का काम भी? बिल्कुल, हम इन्हें प्रशिक्षण देते हैं
और मजदूरी? वही जो एक राजमिस्त्री को मिलता है। दीदी मैं भी शामिल होना चाहूंगी इस मिशन। हाँ वही तो मैं चाहती हूँ। तो फिर कल से आ जाना, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास चार ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। वाह गंगा वाह, तुमने वो काम कर दिखाया है जो गांव के बेकार नौजवान कभी करना पसंद नहीं करते। भले ही सालों साल गांव के चौक पर बेकार ही बैठे रहेंगे, तुमने तो एक मिसाल कायम कर दी। आज मुझे भी बहुत गर्व हो रहा है मेरी अपनी बहू पर। आज उसके कर्मों से मेरे बेटे के ना होने का एहसास कभी नहीं होता। ये सब आप बड़ों का आशीर्वाद है, लेकिन आगे एक समस्या खड़ी हो सकती है। समस्या? कैसी समस्या गंगा? पिछले 3 महीने से हम लोग राजमिस्त्री का काम करते हुए अपने गांव से लेके पड़ोस के गांव तक लगभग 220 पक्के शौचालय बना चुके हैं। हाँ मुझे मालूम है, अब गांव में एक भी कच्चा शौचालय नहीं है और अब कोई भी खुले में शौच नहीं करता। वो बुरी आदत तो अब दूर हो चुकी है, परंतु समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमें तो सिर्फ शौचालय बनाना ही आता है और आगे तो हमें कोई राजमिस्त्री का काम करने के लिए, मतलब मकान बनाने के लिए तो नहीं बुलाएंगे। हमारे पास प्रशिक्षण भी नहीं है, तो आगे हम क्या करें? ये तो सोचने वाली बात हो गई। अब आप ही कुछ समाधान दीजिए। समाधान मेरे पास है, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो समस्या आज आप लोगों के सामने है उसका आभास मुझे पहले से ही था, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। तैयारियाँ? कैसी तैयारियाँ दीदी? हम लोग सभी मिलकर
चप्पल बनाने की एक लघु उद्योग शुरू करेंगे। चप्पल इंसान का ऐसा जरूरी चीज है जो हमेशा उन लोगों के साथ ही रहता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो फाइनेंस। इसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आप लोगों को जम कर काम करना है। वो तो हम करेंगे ही, क्यों बहनों? हाँ। तो फिर अगले सोमवार को हम इसका शुभारंभ करेंगे। बहू। जी माँ। तैयार हुई कि नहीं? हाँ हाँ आई। आओ आओ। ये क्या है माँ? दही है बहू। कहते हैं किसी शुभ कार्य में जाने से पहले दही और चीनी खाकर जाना चाहिए ताकि काम पर सफलता मिल जाए। आपका आशीर्वाद साथ हो तो जरूर सफल होंगी। फिर भी खाकर देखो। उठो उठो। हाँ मैं आती हूँ। जाओ। बहनों आज से आप लोगों का एक नया जीवन शुरू होगा। हाँ। आप लोगों का संपूर्ण सहयोगिता रहेगा तो इस मिशन में भी आप लोग कामयाब होंगे। दीदी ये रिबन काट के इस मिशन का उद्घाटन कीजिए। और इसी के साथ अर्पणा के सहयोग से गंगा की एक नई यात्रा शुरू हुई। गंगा जिस चप्पल उद्योग के साथ शामिल हुई वो चल निकला। गंगा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बाद में दूसरी महिलाओं के लिए आदर्श बनी हमारी गंगा।